यहाँ थाना भीलोपुर हदैनी घाट पर एक बोट के कैप्साइज होने की सूचना मिली और उस बोट में बताया जा रहा है, नाविक से जब बात हुई, नाविक के मुताबिक 11 प्लस नाविक टोटल 12 लोग थे और नाविक के मुताबिक उसका कहना है सभी लोगों को बचा लिया गया, लेकिन चूंकि दो लोगों की मिसिंग की सूचना आई है और जो लोग बचाए गए उनसे अभी पूरी तरीके से संपर्क नहीं हो पाया, कुछ लोगों से संपर्क हो गया है, वो प्रोसेस अलग चल रही है, लेकिन दो लोगों को मिसिंग मानते हुए अभी हमारा जल पुलिस, पीएससी और एनडीआरएफ की टीम्स के साथ संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन नाविक को साथ में लेकर के लगातार जारी है। सर क्या बताया गया, कैसे पलटा? ये कुछ लड़के उस पे थे, उसकी डिटेल्स हम बाद में देंगे क्योंकि वो हमारी भी प्राथमिकता में हमने नहीं बातचीत करी है, उसके कारण हम अलग से उसमें या उसकी जाँच करानी चाहिए। फिलहाल हमारी ये चिंता है कि क्या दो लोग जो इसमें क्या लोग मिसिंग हैं, अगर मिसिंग है तो उनको तत्परता से हम लोग ढूंढ रहे, हमारी सारी टीमें नाविक को साथ लेकर के समय सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। सर कुछ बारह लोग उनकी पुलिस से बात हो पाई है? हाँ, उसमें ऐसा लग रहा है तीन अलग अलग ग्रुप्स हो सकते हैं, 5 लोगों का 4 लोगों का और 2 लोगों का, तो जिसमें से जो 5 लोग वाले ग्रुप है उसमें से 3 लोगों से संपर्क हो गया है और उनके मुताबिक उनके ग्रुप के लोग सुरक्षित हैं, बाकी लोगों से भी जल्दी जल्दी संपर्क करके पता किया जाएगा। अभी हम यही मान के चल रहे हैं कि अगर कोई मिसिंग है तो उसको हम तत्काल उसको सर्च करके रेस्क्यू कर रहे हैं। यहाँ पर लोग आ रहे थे, हम लोग बोट, हम लोग अपना कस्टमर देख रहे थे, लोग उधर से आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, तो उधर से आवाज़ आने लगा बचाओ बचाओ बचाओ, तो हम लोग क्या, हम लोग को लगा सर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो कुछ जाते हैं, तो हम लोग लगा वही कर रहे हैं, फिर हम लोग देखे पानी में कोई कूद रहा है, मतलब हाथ मार रहा है छप छप कर रहा है, तो तुरंत हम दौड़ के अपना मोटर बोट गए वहाँ, पांच लोग को रेस्क्यू किए, इसमें जो लोग बता रहे थे हम लोग 7 लोग थे, 2 लोग लापता है, 7 लोग का तुरंत कृष्णा, अभी कोई क्लियर नहीं जिसमें वो लोग थे वो कौन सा नाम? हेलो, किनारे सटवा भाई, किनारे सटवा, फिर लगा लिया।